कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए भीकनगांव नगर के बालक छात्रावास में बने कोविड सेंटर का कलेक्टर अनुग्रह पी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी से चर्चा की, जिसमें डॉक्टर गौरी शंकर तावड़े से पूछा कि यहां एमबीबीएस डॉक्टर और पेशेंट कितने हैं और ऑक्सीजन लेवल कितने होने पर खरगोन रेफर करते हैं। वहीं कोरोना किल अभियान सही चल रहा है कि नहीं और अभियान को तेज करने को कहा। वैक्सीनेशन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की बात कही। वहीं पीपीई किट पहनी नर्सों से भी जानकारी ली। वहीं 18 प्लस के लिए भी नगर में जल्द ही वैक्सीनेशन आरंभ होगा। मरीजों को खाना व नाश्ता बराबर समय पर मिल रहा इसकी जानकारी ली। कलेक्टर अनुग्रह पी ने रुदनसो हॉस्पिटल का भी जायजा लिया, जिसमें आयुष्मान कार्ड धारक का निःशुल्क इलाज सही हो और मरीजों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा। इस दौरान एसपी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अहिरवार, तहसीलदार कुंवर सिंह सोलंकी, नायब तहसीलदार ममता मिमरोट, एसडीओपी प्रवीण कुमार उइके, थाना प्रभारी जगदीश गोयल, बीएमओ डॉक्टर हरे सिंह जाटव, डॉक्टर गौरी शंकर तावड़े, डॉक्टर मनोज निराले, डॉक्टर सपना सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। मैडम, आज आपने कोविड सेंटर भीकनगांव का दौरा किया है, जिस तरीके से पूरे खरगोन जिले में भीकनगांव बहुत साफ सफाई में फिलहाल पिछड़ा हुआ है, तो देख के कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है, तो क्या देखते हैं आप? अभी हम सभी हॉस्पिटल्स को 5 बेडेड आईसीयू भी बनाने के लिए कोशिश करा रहे हैं और हम पूरा सर्वे कर रहे हैं कैसे हॉस्पिटल को अपग्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सरे मशीन, सीआर सिस्टम, जो ब्लड टेस्ट कोविड के लिए जांच होती है उसका जो सेल काउंटर और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, ये सारे सीएचसी पर उपलब्ध करने के लिए प्लान कर लिए हैं। कुछ को ऑर्डर भी प्लेस करा लिए हैं, जल्दी से जल्दी जो है आ जाएगी। मैडम, वैक्सीनेशन के लिए भी भीकनगांव सबसे पिछला हुआ है, 18 प्लस की जहाँ तक बात करें अभी तक शुरू नहीं हो पाया है सेंटर यहाँ पे भीकनगांव, बस 12,000 ही हो पाई। और जो 45 प्लस है उसमें भी बहुत कम हो पाए हैं। अभी जो है वैक्सीनेशन का ड्राइव तो चल रही है, जैसे आपको मालूम है 18 प्लस का तो रजिस्ट्रेशन होके फिर उसके बाद ही कैंप्स लगते हैं, जल्दी जो है यहाँ भी जो सभी जो है कैंप्स हम चालू करेंगे। मैडम, प्रचार प्रसार के अभाव में वैक्सीन की भ्रांतियाँ बहुत हैं, इस कारण लोग लगा नहीं पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों भ्रांति से दूर हटे इसके बारे में। हमने जो है पटेलों का भी मीटिंग लिया है अभी कलेक्ट्रेट में बुला के, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा, गोगवा की जो भी ट्राइबल क्षेत्र है यहाँ का, पटेल का भी हमने मीटिंग और सभी आदिवासी संगठन को भी मीटिंग ले रहे हैं, उनका जितने भी रूमर्स है उसको क्लियर करने के लिए, तो वो लोग भी हमको जो है सहयोग प्रदान अभी कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।